तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेंटर में। आज हम बात करते हैं तीन ऐसे स्टॉक के बारे में, ऐसे स्विंग स्टॉक के बारे में जो अपने आने वाले हफ्तों या आने वाले महीनों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक वीडियो को लाइक एंड शेयर न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो पहले बात करते हैं आईबुल हाउसिंग फाइनेंस के बारे में, जो अभी पीछे इसने डब्लू पैटर्न बनाया था और इससे पहले भी इसने एक यहाँ पे सपोर्ट लिया था 84.75 के आसपास का, और अभी ये यहाँ पे इसने एक डबल पैटर्न भी दिखा रखा है। देखो यहाँ पे इसने एक डबल पैटर्न भी बनाया है। तो और इसने यहाँ पे पहले 215 के आसपास पहले भी इसने 3 से 4 बार रेजिस्टेंस फेस किया है। इसने यहाँ से फर्स्ट सेकेंड ये उस ऊपर भी गया था लेकिन वापस ये नीचे आ गया था, और यहाँ पे इसने एक रेंज बनाई थी और वापस डाउन आया था, और अभी एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। तो 2020 के आसपास की और 2019 के आसपास की इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है पहले से ही। अब ये वापस 207-214 के आसपास ये वापस आ रहा है। तो अब अगर इसको ब्रेकआउट करता है, इनको हटा देता हूँ, मान लो कि यहाँ पे 211 या 214 के आसपास ये वापस एक अच्छा ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ देता है तो ये अब ऊपर जा सकता है, और इसका पहला टारगेट होगा 258 के आसपास। हाँ, अगर ये यहाँ पे ये रिटेस्ट करता है 211 के आसपास एक ब्रेकआउट देखिए रिटेस्ट करता है तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ वापस रिटेस्ट करके ऊपर बढ़ता है तो ये बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको 211-212 के आसपास को बाय करते हैं तो पहला 258 का टारगेट होगा और दूसरा 324 का ये टारगेट होगा। और दूसरे स्टॉक की बात करें तो ये है सुप्राजीत, जिसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और ये अभी ये इसको ब्रेक करने पर ही है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है, अभी यहाँ पे इसने एक अच्छा ब्रेकआउट करता है मान लो, और एक रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पे भी हम यहाँ पे लगभग 50% क्वांटिटी हम डाल सकते हैं, और अगर ये रीटेस्ट करता है तो यहाँ पर वापस 50% डालकर ऊपर की तरफ जब जाता है तो 50% डाल सकते हैं अपने कैपिटल डिप्लॉय करने वाली कैपिटल पे। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट देता है वॉल्यूम के साथ, तो बात करते हैं कि इसका फर्स्ट टारगेट के बारे में। तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा लगभग 444 के आसपास और सेकंड टारगेट होगा ये 476 के आसपास। और मंथली चार्ट की हम बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है तो ये इससे ऊपर भी जा सकता है। और तीसरे स्टॉक की बात करें तो ये है प्रदीप स्टॉक, इसमें भी एक अच्छा बुलिश ट्रायंगल बन रहा है। ये देखो यहाँ पे इसने ट्रेड लाइन को कितनी बार ये यहाँ पे इसने सपोर्ट फेस किया है, और एक यहाँ से ये हम बनाते हैं, ये देखो तो ये एक अच्छा बोले तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जब भी इस पे अभी ये वीकली टाइम फ्रेम पे है तो जब भी ये इसको ब्रेकआउट करता है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ और रीटेस्ट करके वापस जा सकता है तो हम इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और इसका टारगेट ओपन है क्योंकि ये मंथली चार्ट पे हम बात करें तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर ये रीटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है तो एक अच्छा स्टॉक अच्छा प्रॉफिट हमें दे सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और किसी भी स्टॉक में पैसे लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात कर ले, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर ले, उसके बाद ही इसमें पैसे लगाए। हम किसी भी वीडियो के थ्रू किसी को भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।